नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे बीएचयू में आप लोग को काउंसलिंग कराना है तो प्रेफरेंस कैसे भरें, कॉलेज प्रेफरेंस कैसे भरें। नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं सूडी पाठशाला, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएचयू और बीएचयू के साथ ही जितने इसके एफिलेटेड और इंटीग्रेटेड कॉलेजेस है और बीएचयू का जो पार्ट्स है, इन सभी कॉलेजेज में क्या फैसिलिटीज है, एडमिशन लेने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, फैसिलिटीज के नाम पे क्या देता है और इसकी फीस क्या है। मतलब एक वीडियो आप देखो, लंबा भले हो सकता है लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, मेरी वीडियो देखने के बाद ना किसी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए टू जेड चीजों को मैं क्लियर आउट कर दूंगा पूरे अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, वो भी पूरी सच्चाई के साथ, कोई झूठ उठ नहीं, आप एकदम रियलिटी जानो। प्लीज आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखो और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, ठीक है। एक बार देखो पूरा डाउट ही क्लियर कर लो। बीएचयू का जब हम लोग नाम लेते हैं तो ये वाराणसी के लंका के पास में स्थित है और बीएचयू के मेन गेट को बोलते हैं सिंह द्वार, जो बड़ा सा गेट दिखता है जो न्यूज में आर्टिकल में जो हर जगह सिंबलाइज करता है कि यही बीएचयू है, जो मालवीय जी भी वहां पे है, तो उसी को बोलते हैं बीएचयू का मेन द्वार। और वहां पे एडमिशन यानी उस द्वार के अंदर जाके जो लोग एडमिशन लेते हैं उनको बोलते हैं कि आपने डीएमसी में एडमिशन लिया है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस में। कई कभी कभी सुनने में आता है एफएमसी, ठीक है, और एफएमसी जब सुनने में आता है तो इसका मतलब फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस। अगर मैं इसको एक क्रोनोलॉजी में सेट करूं तो बीएचयू फैकल्टी ऑफ, बीएचयू के अंदर क्या हुआ, फैकल्टी, फैकल्टी के अंदर डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के अंदर क्लासेस, तो इस तरीके से चीजें सेट हो जाएंगी, ठीक है। तो आप जब प्रेफरेंस भर रहे होगे तो सबसे पहले आप डीएमसी क्लिक करना, ठीक है। एक तो क्लियर होगा कि डीएमसी सबको टॉप पे करना है क्योंकि हर किसी का सपना होता है बीएचयू के मेन कैंपस में पढ़ने का, यानी उस गेट के अंदर पढ़ने का। अब बीएचयू के पास एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि बीएचयू के पास कितने एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, कितने इंटीग्रेटेड कॉलेज हैं और कितना बीएचयू का पार्ट है, ठीक है। ये तमाम चीजें हम लोग जानेंगे। एमएमबी बीएचयू का एफिलेटेड कॉलेज नहीं है। एक बार मैंने बहुत पहले गलती से एक बार वीडियो में बोल दिया था कि बीएचयू एफिलेटेड कॉलेज, क्योंकि मैं बीएचयू के बाद हर कॉलेज को एफिलेटेड मान लेता हूँ, वो बात अलग है कि इसके नाम अलग अलग है। लेकिन बाद में मुझे बहुत ट्रोलिंग देखने को मिला, एमएमबी की लड़कियों को अगर पता चल जाए कि एमएमबी को मैंने एफिलेटेड बोल दिया है, भाई आपका इंस्टा पे ना छक्का छुड़ा देंगे, हालत खराब कर देंगे। मतलब ये हालत हो गया था कि भाई आपने बोला कैसे एमएमबी को एफिलेटेड कॉलेज। तो वही है कि प्लीज इस बात को भी मैं यहाँ क्लियर आउट करूंगा कि एमएमबी एफिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये एक बीएचयू का इंटीग्रेटेड कॉलेज है। बीएचयू इसका नाम है इंटीग्रेटेड, अगर ऑफिशियल आप इसका बुलेटिन देखोगे चेक करोगे एमएमबी को बोला जाता है इंटीग्रेटेड। आप जब बीएचयू का बड़ा वाला गेट देखते हो ना, वहां से मात्र 100 मीटर की दूरी पे है, 100 मीटर, ओनली 100 मीटर पे ही आपको मिल जाएगा। 100 से 150 मीटर पे आप ऐसे एंट्री ले रहे हो, ऐसे एंट्री ले रहे हो और इधर आपके लेफ्ट साइड पड़ेगा अगर मेन गेट से घुस रहे हो तो, ठीक है। ये आपको सेकंड नंबर पे रखना है। पहले नंबर पे हम लोग कौन सा रखेंगे, डीएमसी। सेकंड नंबर पे कौन सा रखेंगे, एमएमबी। ध्यान देना कि सब्जेक्ट्स की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, यानी वो सब्जेक्ट्स होना चाहिए एमएमबी में। कई बार एमएमबी में कुछ कोर्सेज नहीं भी हो सकते हैं, तो आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही वहां प्रेफरेंस शो करेगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट हर में डिपेंड अगर है, सभी कॉलेजेस में अवेलेबल है, तो उसका जो क्रोनोलॉजी होगा, जो उसका प्रेफरेंस भरने का ऑर्डर होगा, वो होगा डीएमसी टॉप पे होगा, एमएमबी सेकंड पे होगा। कंफ्यूजन क्रिएट होता है वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी, वीकेएम और डीएवी। देखो भाई, एमएमबी गर्ल्स कॉलेज है, ध्यान देना कि लड़के तो ऐसे भी इसको चूज नहीं कर सकते, ये गर्ल्स कॉलेज है, ये पूरे के पूरे कॉलेजेस गर्ल्स कॉलेजेस है, ठीक है। ये पूरे के पूरे क्या है, गर्ल्स कॉलेज, जी जी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो लड़कों के पास तो प्रेफरेंस भरने के लिए ऐसे भी एमएमबी में आएगा नहीं, ओनली डीएमसी ही उनके पास प्रेफरेंस में आएगा। और अगर सेकंड नंबर पर उनके पास कोई आएगा तो डीएवी आएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉयज और प्लस गर्ल्स दोनों होते हैं, ठीक है। ये बीएचयू का एफिलेटेड कॉलेज है, तो ध्यान देना है कि लड़कों के लिए तो डीएमसी फर्स्ट भरना है, सेकंड पे डीएवी भरना है, ठीक है, ये सेकंड नंबर आएगा। अगर कोई लड़की डीएमसी में पढ़ना चाहती है और डीएमसी में उसको नहीं मिल रहा है, बाद में पता चलता है कि कोएडेड कॉलेज डीएमसी के बाद बस डीएवी है, तो वो लड़की भी इसको सेकंड पे रख सकती है। अदरवाइज अगर लड़की कंप्रोमाइज करना चाहती है, यानी वो चाहती है, वो छात्रा चाहती है कि नहीं हम लड़कियों वाले कॉलेज में पढ़ लेंगे, तो उनके पास ये सब कॉलेजेस के ऑप्शन होंगे जिसमें वो एमएमबी को टॉप पे डालेगी, यानी डीएमसी के बाद वो एमएमबी को टॉप पे डालेगी। अगर वो लड़कों के साथ पढ़ना चाहती है तब तो डीएवी को टॉप पे डालेगी डीएमसी के बाद, अदरवाइज वो एमएमबी को टॉप पे डालेगी, ठीक है। उसके बाद वो वीसीडब्ल्यू को थर्ड पे डालेगी और वीसीडब्ल्यू के बाद वो एएमपीजी और वीकेएम को अप डाउन कर सकते हो,
बाकी जैसे मैंने लगाया ऐसे भी आप भर सकते हो, बाकी अप डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, ध्यान देना कि ईएमपीजी की फीस से फीस जो है कुछ में ज्यादा है और कुछ में वीकेएम की फीस कम है, वो आप एक बार चेक कर लेना। अगर फीस की वजह से अगर आप डाउन करते हो तो आप लोग कर सकते हो। बाकी पढ़ाई के मामले में देखा जाए तो वीसीडब्ल्यू की एजुकेशन जो है वो बेस्ट क्वालिटी है, इन्वायरमेंट बेस्ट क्वालिटी है, नेक की ग्रेडिंग में भी वो प्लस ग्रेडिंग में है, ए प्लस ग्रेडिंग में है। बाकी कॉलेज की भी ग्रेडिंग सही है, बुरा नहीं है, लेकिन वीसीडब्ल्यू को टॉप पे रखिएगा। मैं आज तक हमेशा से एएमपीजी को टॉप पे करते आया था, लेकिन वीसीडब्ल्यू का रिकॉर्ड मैं पिछले दो साल से अच्छा देख रहा हूँ, इसलिए मैं वीसीडब्ल्यू को ऊपर रख दिया हूँ। अब बात आती है सर यहाँ पे आरजीएससी क्यों लिख रखे हो। राजीव गांधी साउथ कैंपस, ये मिर्जापुर में है, ये बीएचयू का पार्ट है, बीएचयू से भी बड़ा है, बीएचयू एरिया वाइज जो है वो 16 किलोमीटर हाफ हेमिस्फीयर में फैला हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए ये कई एकड़ में फैला हुआ है। बीएचयू का कम से कम मुझे लगा 4-5 गुना तो होगा ही होगा, रियल डेटा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़ा है। यही है कि ये माउंटेन एरिया में है भाई, ये पहाड़ों पर फैला हुआ है भाई, और यहाँ पे गर्मी अथाह पड़ेगा, पत्थर तपने लगता है, पानी की थोड़ी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन हाँ मॉल से दूर, कई सारे ब्रांडिंग से दूर, देश दुनिया से दूर, एकदम एक अलग ही आबादी है, सन्नाटा है, वहां पे लोग भी नहीं रहते ज्यादा, जंगल में बसा हुआ है, विंध्य श्रेणी के ऊपर बसा हुआ है, और बरसात में अलग अनुभूति होती है, ठंड में कड़ाके की ठंड पड़ती है, और गर्मी में एकदम झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है। तो लेकिन लड़के यहाँ एडमिशन लेने के बाद बड़ा खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं बहुत जगह एडमिशन सही लिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप उस बाउंड्री के अंदर बड़े सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज देगी, गर्मी के लिए गर्मी से बचने की सुविधा है, ठंड में ठंड से बचने की सुविधा है, पीने के लिए पानी की सुविधा है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो वहां के आजू बाजू के गांव वाले भले परेशान हो जाए, लेकिन छात्र परेशान नहीं होंगे। ट्रांसपोर्ट के नाम पे भी व्यवस्थाएं वहां पे थोड़ी सी बेकार हो सकती है, आपको आने जाने के लिए घर से लिए खुद का परिवहन या फिर बड़े रियर में कुछ गाड़ियां इंतजाम करनी पड़ेंगी, ध्यान देना वहां पे गाड़ियां कम जाती हैं, रात में बाहर नहीं निकल सकते। ये तमाम चीजें आरजीएससी को जो है वो थोड़ा अपने आप में यूनिक बनाती है। हाँ, लेकिन बिल्डिंगें मस्त मस्त हैं, बड़े बड़े ग्राउंड है, नया नया बसा हुआ है, और कहीं ना कहीं वो बहुत बढ़िया, मतलब आप वहां जब एडमिशन लोगे तो लगेगा कि अब हम ही यहाँ के राजा हैं, अब जो है हम ही सब है, अब हम ही सब कुछ यहाँ के करता धरता हो गए, तो ये वाली फीलिंग आती है। आरजीएससी को कैसे सेट करना है ध्यान से देखो, कोर्स अगर डीएमसी में भी है और वही कोर्स आरजीएससी में है, और ये अक्सर एमवॉक वालों के साथ होगा, ये चीजें हो सकती है, एग्रीकल्चर के साथ ऐसा हो सकता है, तो आप डीएमसी को टॉप पे रखना और सेकंड पे आप आरजीएससी को रख देना, क्योंकि आरजीएससी में ही आपका कोर्स मिलेगा। एमकॉम बच्चे बोल सकते हैं, तो एमकॉम बच्चा डीएमसी को टॉप पे रखेगा, उसके बाद वो बनारस वाले डीएवी को सेकंड पे रखेगा और आरजीएससी वाले को थर्ड पे रखेगा, ठीक है, अगर वो डीएमई पढ़ना चाहते हैं। अगर वो चाहता है कि नहीं हम आरजीएससी पढ़ना चाहते हैं, तो आरजीएससी को सेकंड पे रख देना। तो ये इस तरीके के प्रेफरेंस भरे जाएंगे। अब हम लोग इस कॉलेज के हम लोग डिस्टेंस देख लेते हैं और एजुकेशनल बैकग्राउंड बारे में बात कर लेते हैं। डीएमसी बीएचयू का मेन कैंपस ही है, वो तो डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस। एमएमबी बीएचयू के अंदर ही है, 100 मीटर पे, ध्यान देना उसी बाउंड्री के अंदर है, डबल बाउंड्री में है, डबल प्रोटेक्शन मिलता है एमएमबी, और एमएमबी के लड़कियों का अलग अपना रुतबा है, अपनी पहचान है। एमएमबी में जब एमएमबी की लड़कियां ये कहती है ना कि हाँ एमएमबी में पढ़ते हैं, तो एक तो बीएचयू में पढ़ने का प्राउड, एमएमबी में भी पढ़ने का प्राउड, डबल प्राउड और डबल वो गर्व महसूस होता है एमएमबी में पढ़ने का, तो वो अपना एक अलग ही उनका रुतबा है एमएमबी का, ठीक है। वीसीडब्ल्यू 10 किलोमीटर के आसपास आएगा, राजघाट के पास है, जो नमो घाट सुने वो हाथ जोड़ने वाला ऐसे करके सीन जो वायरल होता है अक्सर, तो ये नमो घाट के पास है वीसीडब्ल्यू, बड़ा बढ़िया प्लेस है, लेकिन बड़ा बढ़िया प्लेस है। एएमपीजी 5 किलोमीटर, वीकेएम लगभग 5.5 किलोमीटर, ये लंका गेट से दूरी है, ठीक है, इस बीएचयू के मेन कैंपस से मैं दूरी बता रहा हूँ इन लोग का, और डीएबी जो है लगभग 6 किलोमीटर दूरी पे, आरजीएससी कम से कम 55 किलोमीटर। हाँ, लेकिन अगर कोई लड़का आरजीएससी में एडमिशन ले लेता है तो वो इस डीएमसी यानी बीएचयू से आरजीएससी के लिए बस का फायदा उठा सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। बीएचयू जो है आरजीएससी से और बीएचयू से आरजीएससी के लिए डेली बस चलाता है, लेकिन उसका कुछ डे और रूटीन होता है, वो आप लोग के पढ़ने लोगों को पता चल जाएगा। तो बच्चा अगर कभी घूमने आना चाहता है तो आरजीएससी वाला बच्चा बीएचयू आके घूम सकता है, बच्चे आते भी हैं घूमने के लिए, ठीक है। बाकी कॉलेजेस में भी बस चलती है, बाकी कॉलेजेस में बस चलती है, लेकिन उसका फीस होता है 1500 से 3000 के बीच में, अलग अलग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग कॉलेजेस की बस की फीस रखी गई है। यानी आप अब देखो, हॉस्टल के नाम पे डीएमसी तो आपको 30% हॉस्टल दे देगा, ठीक है, मैं अभी नेक्स्ट वीडियो हॉस्टल पे दूंगा, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि वो हॉस्टल का वीडियो देखना बेहद जरूरी है, नेक्स्ट वीडियो मेरा हॉस्टल पे है। डीएमसी आपको हॉस्टल देता है, बीएचयू के अंदर देता है, लेकिन
100 में 30 लोग कोई देता है, एमएमबी भी हॉस्टल देता है वही लगभग 40% लोगों को, ठीक है। बीसीडब्ल्यू एएमपीजी वीकेएम ये सब आपको इंटरनल इंटीग्रेटेड प्राइवेट हॉस्टल्स देते हैं, इनके यहाँ कोई गवर्नमेंट हॉस्टल्स नहीं है, लेकिन ये अपने यहाँ ही बिल्ड कर लिए हैं, अपने यहाँ ही बिल्डिंगें बना ली हैं, उससे एफिलेट करके हॉस्टल चलाते हैं। अगर वो हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा तो बाकी आपको कैंपस से बाहर, ये सब कैंपस में नहीं है मतलब इनके संरक्षण में है, बाहर जाके फिर आपको लेना पड़ेगा, जिसको प्राइवेट हॉस्टल्स बोलते हैं। तो अभी से मैं आपको बोल दे रहा हूँ, जिसको भी प्राइवेट हॉस्टल्स चाहिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक हॉस्टल वाला नंबर है, आप उसको ज्वाइन कर लो। हम आपको हॉस्टल्स रिकमेंड कर देंगे कि आप इनके यहाँ जाओ, इनकी फोर्डिंग अच्छी है, इनका एरिया अच्छा है, इनका मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक है। डीएवी जो है ये भी हॉस्टल्स नहीं देता है, ठीक है। अगर देगा डीएवी तो बुल्ड से तो आप मत लेना, बहुत जर्जर हॉस्टल है इनका, मतलब नहीं देता है करने का। आरजीएससी जो है ये हॉस्टल देता है, ध्यान देना, आरजीएससी में जो भी एडमिशन मिलेगा उसको हॉस्टल जरूर मिलेगा, क्योंकि वहां पे बाजू बाजू में रूम घर ही नहीं है। तो आरजीएससी में जो बच्चा भी जाता है उसको 100% हॉस्टल अकोमोडेशन मिलता है, खाने पीने की पूरी सुविधा मिलती है, ठीक है। ये बड़ा अच्छा सुविधा है यहाँ पे। इन पूरे चीजों में एक बड़ा बढ़िया चीज बता रहा हूँ, जितने बच्चे पीडब्ल्यू यानी जो बच्चे हमारे दिव्यांग हैं, जो बच्चे दिव्यांग हैं उनको 100% हॉस्टल अकोमोडेशन मिलता है डीएमसी के अंदर। बाकी कॉलेजेस में अगर उनका एडमिशन होता है तो उनको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एजुकेशनल अगर हम लोग चीजें बात करें कि कौन से सबसे टॉप पे पढ़ाई होती है, तो किसी सब्जेक्ट में जो वीसीडब्ल्यू है ये जो कॉलेज है ये डीएमसी को ही मात दे देगा, लेकिन बच्चा ब्रांडिंग और कहीं ना कहीं नाम की वजह से, ब्रांडिंग की वजह से वो डीएमसी में ही एडमिशन टॉप पे लेता है। लेकिन आप वीसीडब्ल्यू को भी चूज कर सकते हो, लेकिन मैं खुद ही बोलूंगा कि चलो भाई फैसिलिटी का फायदा उठाना है, क्योंकि डीएमसी में स्विमिंग पूल मिल जाएगा, जिम मिल जाएगा, ग्राउंड मिल जाएगा, अच्छे रोड, ओपन जिम मिल जाएगा, लाइब्रेरी मिल जाएगा, बीटी मिल जाएगा, कोल्ड कॉफी मिल जाएगा, तो ये तमाम चीजें जो है वो डीएमसी में मिलेगा, जिसकी वजह से आप लोग डीएमसी में ही आना चाहते हो। लेकिन इन कॉलेज में अगर आप जाते हो तो बीएचयू का जो फैसिलिटी मिलता है उसका 10% भी नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि ये अगर कोई भी चीज देते हैं तो उसका पेमेंट है, यहाँ तक कि कुछ कॉलेजेस में साइकिल स्टैंड के भी पेमेंट है, साथ में मेडिकल की सुविधाएं शायद थोड़े मोड़े हो, लेकिन बीएचयू में तो पूरा हॉस्पिटल ही है, हमारे यहाँ तो पूरा सुबह लाइन लगी रहती है। आप सुबह में जाओ, थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम है ना, कम से कम 400 का दवा लेके आओ फ्री में, कोई दिक्कत नहीं, 50,000 रुपए की मेडिकल फैसिलिटी फ्री में देता है डीएमसी। आरजीएससी में मेडिकल की सुविधा अच्छी मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन बाकी जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उसमें नहीं मिलेगा। एमएमबी की पूरी फैसिलिटीज जो होती है वो डीएमसी वाली बराबर होती है, ध्यान देना। एमएमबी की खास बात एक और है, आप अगर एमएमबी में एडमिशन लेते हो, इसमें एडमिशन लेते हो, तो आपको डीएमसी वाला पूरा का पूरा सुविधा मिलेगा, इवन वाईफाई इंक्लूडेड। बाकी जगहों पर जाओगे तो इनका वाईफाई कॉलेज वाला अगर देता है तो देता है, लेकिन बीएचयू में पढ़ोगे फ्री वाईफाई 24 आवर्स हाई स्पीड, 30 Mbps की स्पीड मिलेगी, 40 Mbps की स्पीड मिलेगी। एमएमबी की लड़कियां पूरा बीएचयू का जो फैसिलिटीज है वो यूटिलाइज कर सकती हैं। आरजीएससी में फुल वाईफाई पूरी सुविधा मिलेगी, जैसा डीएमसी में लगभग मिलता है, पूरा एज इट इज लगभग मिलता है, ठीक है। कुछ ही चीजें अप डाउन रहती है। डीएमसी के बच्चों को एक और फायदा, एनसीसी मिल सकता है, और ये बच्चे अगर यहाँ एडमिशन कोई लेता है मास्टर्स वाला तो वो आके डीएमसी में एनसीसी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और एफिलेटेड के बच्चे अगर ये सोचते हैं, यानी ये वीसीडब्ल्यू ये बच्चे जो हैं कि हम एडमिशन लेने के बाद क्या बीएचयू का लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, तो आप आईडी दिखा के एज अ विजिटर आप कभी कभी घूम सकते हो एज अ विजिटर, लेकिन आप रेगुलर स्टूडेंट यहाँ के बन के वहां नहीं घुस सकते हो, ठीक है। मेडिकल की सुविधा आप यहाँ नहीं आके ले सकते हो, लेकिन यहाँ का हॉस्पिटल जो है जहां पे नंबर लगा के कॉमन पर्सन लोग जाता है वहां जाके आप ट्रीटमेंट करा सकते हो, हेल्थ सेंटर में नहीं जा सकते। उसी तरीके से बीएचयू की जो फैसिलिटीज हैं वो एफएमसी में अगर बच्चा एडमिशन लिया डीएमसी में तो डीएमसी के बच्चों को ही मिलेगा, एफिलेटेड को नहीं मिलता है, कुछ केसेज में कहीं कहीं मिल जाता है। फीस की बात करें डीएमसी लगभग जहां डीएमसी आपको 3,000 में कोर्स कराएगा, वही एफिलेटेड कॉलेज आपको 13,000 में कोर्स कराएंगे या 10,000 में कराएंगे, तो ये डिफरेंस भी है पैसे के मामले में। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये चीजें आप जान गए होंगे, प्रेफरेंस भरने का तरीका मैं बता दिया कि डीएमसी को टॉप पे रखना है, उसके बाद एमएमबी को रखना है, उसके बाद ये जो कॉलेजेस हैं इसमें वीसीडब्ल्यू को रखना है, और इसमें अप डाउन दोनों कर सकते हो। फिर डीएवी को इसलिए आगे रखना है, डीएवी को डीएमसी के जस्ट नीचे रख देना लड़का लोग, क्योंकि बस लड़का ही इसमें मतलब लड़का लड़की के साथ में पढ़ सकता है, डीएमसी के बाद यही कॉलेज सिंगल पढ़ सकता है, ठीक है। और आरजीएससी भी लड़का लड़की दोनों के लिए, यानी गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए आरजीएससी है, इसमें तो कोर्स एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है, तो तमाम बातें आप समझ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में काउंसलिंग वाला करके नंबर है, आप घर बैठे भी काउंसलिंग करा सकते हो। मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।
ओके बाय बाय।